जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारी डंप फाइल मिस हो जाती है, या फिर ईएमएमसी हेल्थ खराब होने की वजह से डंप फाइल हमारी अननोन हो जाती है, गड़बड़ में आपकी आईएमआई नंबर और बेसमेंट यही सिक्योरिटी आपको रीड करके रखनी पड़ती है। आपका डंप फाइल वगैरह आपने तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्ट बोर्ड से निकाला है, तो वो तो मतलब देखिए एक ईएमआई नंबर से एक ही फोन चला सकते हैं अभी भी। और सबसे बड़ी बात है कि आप रियलमी के किसी भी फोन के रियलमी में ही डाल के चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि रियलमी का ईएमआई नंबर वीवो में डाल के चला दिए, क्योंकि सबका सीरीज अलग से स्टार्ट होता है। सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम काफी लोगों को आ रही है, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट बहुत सारे मैसेजेस आए, तब जाके मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना बनता है। हालांकि हमने इससे रिलेटेड छोटी मोटी चीजों के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, उस समय हमारी जो YouTube फैमिली थी बहुत कम थी, तो हो सकता है कि ये बात बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंची हो, तो ये एक बार और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैं नई ऐड करके आप सभी लोग को बताऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पहले वो जान लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी फोन का ईएमएमसी चेंज करना है तो इसमें क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और क्यों क्या क्या हमें परेशानी देखनी पड़ सकती है। तो होता क्या है कि अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ईएमएमसी किसी भी फोन का, जैसे रियलमी का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, कोई भी कंपनी का फोन हो, ईएमएमसी चेंज करने के बाद हमारे पास कमेंट करते हैं, भैया ईएमएमसी चेंज कर दिया, बेसबैंड अननोन हो गया, आईएमआई नंबर नहीं आ रही है। तो अब ऐसा तो सबको पता है कि अगर आप ईएमएमसी डायरेक्टली चेंज कर दोगे तो उसका आईएमआई नंबर अनोन होना ही होना है, आपने सिक्योरिटी ही रीड नहीं किया तो कहां से आएगा। लेकिन अब पता नहीं किस तरह से वो लोग चेंज कर रहे हैं, और उनको ईएमएमसी चेंज करना आ रहा है, फोन चालू कर पा रहे हैं ईएमएमसी चेंज करके, फिर भी उसका उनको ये नहीं पता है कि आईएमआई नंबर उसमें नहीं आता है। तो खैर, अभी ये जानकारी आप सभी लोग अगर समझ जाओगे तो आपको इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात कि जो लोग ईएमएमसी चेंज कर पाते हैं या फिर जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग ईएमएमसी बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ईएमएमसी में पूरी साइड साइड तक बॉल नहीं होती है, उसके बीच में ही बॉल होती है, एक लंबी चपट पट्टी में होती है और एक राउंड पट्टी में होती है। तो ये ईएमएमसी चेंज करना बहुत ही ईजी है, लाइक आपका पावर आईसी जैसा। तो आप ईएमएमसी चेंज कर सकते हो लाइक पावर आईसी चेंज कर सकते हो, लगभग सिमिलर है। होता क्या है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिस रहेगा तो आपका ईएमएमसी और आपका कोई भी चीज चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रैक्टिस में होती क्या है कि आप जब उस काम को अनुभव करोगे तो सबसे बड़ा दो चार चीज माइंड में चलता है, कहीं हमसे कोई बॉल उखड़ ना जाए। दूसरी चीज प्रॉब्लम चलती है कहीं ज्यादा हीट लगने से ईएमएमसी खराब ना हो जाए, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ईएमएमसी खराब है पहले से, कि हमारे द्वारा खराब हो गई, क्या हुआ, हमने रिबॉल करने के बाद जब अपना EO5 बॉक्स में या फिर EGGTEC में या फिर MIPI टेस्टर में या फिर जैसे भी उसको जब टेस्ट किया तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, और डिटेक्ट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो खैर वो बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज क्या होती है, कई लोग क्या करते हैं कि सेम मॉडल आपके पास दो फोन आया उसकी ईएमएमसी इसमें ट्रांसफर कर दी, ऐसा भी कई लोग करते हैं, और इसी से रिलेटेड एक जन ने हमारे पास कमेंट भी किया था। तो ईएमएमसी ट्रांसफर करना भी आप कर सकते हो, बट उसकी कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपके सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में एक RBNB का लॉक होता है, मतलब इस दोनों को बैठाया गया है। अगर आपके पास कोई भी फोन आ रहा है आपको बिना किसी झंझट के, मतलब कोई उसमें आपको टेंशन नहीं पालना है, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी पैच फाइल, कुछ भी रीड नहीं करनी है, आपके पास EO5 बॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको दोनों एक साथ स्वाइप कराना पड़ेगा, यानी कि ईएमएमसी और सीपीयू दोनों एक साथ आप इस फोन में डाल दो, समस्या खत्म। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फोन सब कुछ पहले जैसा चलेगा। हाँ, लेकिन आपका सारा उस फोन का डाटा इसमें आ जाएगा, आईएमआई नंबर भी इसमें उठ के आ जाएगी, लेकिन आप सिर्फ सीपीयू या फिर सिर्फ ईएमएमसी को आप ट्रांसफर करते हो, ऐसे कंडीशन में दोनों के अंदर कंबाइंडिंग लॉक रहती है, जिसको हम RPNB का लॉक बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद से क्लीन करने से भी पहले आपको इसकी सिक्योरिटी रीड करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी डंप फाइल, ये सारी चीजों को आपको EO5 बॉक्स में, इस सब की ट्रेनिंग अगर आप नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई है, और हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में वीडियो लाने की, बट नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब हमारे पास बहुत कम फोन आते हैं इस तरह के सिक्योरिटी से रिलेटेड। और दूसरी चीज की हमारे पास क्या है कि इस वीडियो से रिलेटेड इतनी टॉपिक भरी पड़ी है कि उसमें वीडियो ला पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट लाएंगे जरूर। मैंने जब कहा है आपको बोर्नियो स्कीमेटिक पे भी वीडियो लाने के लिए, तो मैं बहुत जल्द लाऊंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे फिक्स होगा आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगा।
तो कहने का मतलब है कि आपका क्या है कि ईएमएमसी और सीपीयू के बीच जो आरपीएनबी का लॉक है उसको आपको क्लीन करने से पहले सिक्योरिटी उसकी रीड करनी है, जिसमें कि आपका आईएमईआई नंबर, उसकी फाइलें जो होती हैं जिससे कि फोन रन करता है, जिससे बूट करता है, सारी बूट सिक्वेंस की फाइलें जितनी भी होती हैं, ये सारी चीज़ों को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने रीड करके रखना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो आप यूएफआई से करिए, चाहे ईजीजीटेक से करिए, चाहे अदर जो भी मार्केट में चल रहे हैं प्रोग्रामिंग टूल उनसे कर सकते हैं। रीड करके रखने के बाद आपको उसकी आरपीएनबी क्लीन करनी पड़ेगी या फिर आरपीएनबी को भी रीड करके रखना पड़ेगा, आप उसको भी रीड करके वो कर सकते हो, बट आपको क्लीन करना ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद से बहुत सारे मार्केट में फाइलें आती है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारी डंप फाइल मिस हो जाती है या फिर ईएमएमसी हेल्थ खराब होने की वजह से डंप फाइल हमारी अननोन हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, नहीं हम उससे नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में मार्केट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, बहुत सारी टूल है जिसमें, या फिर आपके पास कोई अदर फ़ोन आता है उसकी भी आप सिक्योरिटी रीड करके रख सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी रीड करने से आपका फ़ोन बूट हो जाएगा, लेकिन आपको आईएमईआई नंबर और बेसबैंड ये अलग से आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे कि कस्टमर हमारे कमेंट किए कि सर हमने रियलमी 3 का ईएमएमसी निकाल के अपने फ़ोन में डाल दिया सेम मॉडल से, तो हमारा फ़ोन तो चालू हो गया लेकिन बेसबैंड आईएमईआई नंबर अननोन हो गया, तो उसमें आपकी आईएमईआई नंबर और बेसबैंड यही सिक्योरिटी आपको रीड करके रखनी पड़ती है। आपका डंप फाइल वगैरह आपने तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्ट बोर्ड से निकाला है, तो वो तो सेम बोर्ड में सेम मॉडल है तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आप किसी अदर ब्रांड के मॉडल से भी ईएमएमसी चेंज कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि सेम ईएमएमसी है कि नहीं, और ऐसा भी नहीं है सेम ईएमएमसी, आप सैमसंग का ईएमएमसी है किसी में तो आप उसमें उसका स्काई का जो आता है उसको भी लगा सकते हो, मतलब अदर अदर ब्रांड की भी ईएमएमसी आप चेंज कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि दोनों के अंदर के जो बॉल है, क्योंकि एक चौकोर में आता है और एक आयताकार में लंबे में आता है, तो आपको वो देख लेना है कि दोनों सेम है कि नहीं। अब ये काम आप हमेशा करते रहो तो आपको आइडिया लग जाएगा किस ईएमएमसी में कौन सा साइज रहता है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो ईएमएमसी भी बदला जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, बस आपकी सिक्योरिटी उसमें चढ़ानी है, क्योंकि अब जो ईएमएमसी डाल दो वो तो उसके जैसे तैयार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका एक गुथा हुआ आटा है, अब आप चाहे उसको जैसा फैलाओ, जैसा बनाओ, उसको जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो, ऐसे तरह का ईएमएमसी होता है। खाली ईएमएमसी में कुछ भी कर सकते हो आप, या फिर आप किसी फोन के चढ़े हुए ईएमएमसी को भी आप निकाल के और उसमें कुछ भी सिक्योरिटी चढ़ा सकते हो, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको सेम ईएमएमसी की ही जरूरत पड़ेगी। सारा खेल है प्रोग्रामिंग का और उसके सॉफ्टवेयर को रीच करके इस फोन के सॉफ्टवेयर को चढ़ाने का, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कई लोग क्लास ज्वाइन करके भी सीख लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके थोड़ी बहुत समझ में आएगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये पेचीदा काम है, आप वन टाइम एक बार आप सीख जाओगे, तो जिस तरह से सॉफ्टवेयर जब करने से पहले आपके मन में थॉट था कि सॉफ्टवेयर कैसे होता है, जो लोग सॉफ्टवेयर अभी कर पा रहे हैं या फिर जो नहीं कर पा रहे उनके मन में अभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होगी, कैसे क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब काफी सारी टेंशन होती है। मैं आपको इसको उदाहरण दूंगा साइकिल सीखने से, जो लोग साइकिल नहीं सीखे होंगे अपने उस बचपन को याद करिए, या फिर जो लोग घड़ी का टाइम देखना नहीं जानते हैं, जो सुई वाली टाइम होती है उसको जो देखना नहीं जानते हैं, वो अपने समय को याद करिए जब उनकी सुई की टाइम उनको देखने नहीं आता था, उस सिचुएशन में लोग सोचते थे क्या पता हम सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कितना डिफिकल्ट काम है। तो वैसा ही होता है, कोई भी काम सीखने से पहले डिफिकल्ट होता है, करने के बाद आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा। तो आप लोग को बस क्या करना है, इसके बारे में जितनी भी YouTube पे वीडियो पहले उसको आप देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत उस पर नॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा, बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको कुछ ना कुछ जब उसके बारे में जानते रहोगे तब आपको कोई चीज़ सिखाया जाए तो आप बहुत ही आसानी से सीख पाओगे, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव था कि आपको अगर किसी CPU EMMC को वो करना है, एक्सचेंज करना है, तो दोनों एक साथ करिए। नहीं कर पा रहे हैं अगर आपको सिर्फ ईएमएमसी आप नया मार्केट से खरीद के नया लगा रहे हैं, तो पहले इस ईएमएमसी का सिक्योरिटी रीड करिए, आईएमईआई नंबर वगैरह ढूंढ के पहले रखिए। होता है कई बार कि ईएमएमसी हमारा गलती से खराब हो जाता है, अब खराब हो गया तो आप कैसे रीड करके रख पाओगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक्चुअली ये थोड़ा सा इल्लीगल काम हो जाएगा, बट आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि किसी भी अदर ब्रांड के सेम मॉडल का फ़ोन हो उसको आप उसका सिक्योरिटी रीड कर लीजिए, लेकिन आईएमईआई नंबर ऐसे फ़ोन का डालिए जो कि आपके पास ख़राब हो गया, वो चलने वाला नहीं हो, और लेकिन सेम ही मॉडल का होना चाहिए। मतलब देखिए, अब आईएमईआई नंबर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम अदर फ़ोन का डाल दें तो चल जाएगा, चलेगा, लेकिन हो सकता है उस फ़ोन का बंद हो जाए, हो सकता नहीं उस फ़ोन का बंद हो जाएगा। मतलब देखिए, एक ही आईएमईआई नंबर से एक ही फ़ोन चला सकते हैं। अभी बीच में वीवो ने एक माथापच्ची किया था जिसमें कि एक आईएमईआई नंबर से बहुत सारे फ़ोन निकाल दिया था, बहुत बड़ा धोखाधड़ी चला था, हालांकि अब सब कुछ सेट हो गया, अपना जो भी था वो फॉर्मेलिटी करके वो लोग ने उसको सही कर दिया, बट एक ही आईएमईआई नंबर से टैक्स से बचने के लिए उन्होंने बहुत सारे मोबाइल एक ही आईएमईआई नंबर पे चला दिए थे, तो वो उनका खुद का प्रोग्रामिंग है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक फ़ोन का आईएमईआई नंबर डाल के दूसरे फ़ोन में चलाओगे इस फ़ोन का बंद हो जाएगा।
और सबसे बड़ी बात है कि आप Realme के किसी भी फोन के Realme में ही डाल के चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि Realme का IMEI नंबर Vivo में डाल के चला दिए, क्योंकि सबका सीरीज अलग से स्टार्ट होता है। Vivo का 86 से स्टार्ट होता है, Realme का अलग से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि IMEI नंबर कैसे हम उसको रीड करा सकते हैं और क्या हर फोन का डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो जो नए लोग हैं उनके लिए जी समझ में आ चुकी होगी कि IMEI नंबर आप Realme के किसी भी फोन का आप Realme में डाल सकते हो, Oppo के किसी भी फोन का Oppo में डाल सकते हो, Vivo का किसी में Vivo में डाल सकते हो। लेकिन इनमें भी सीरीज होती है, आपका मॉडल जो है अब देख लो आप किस हिसाब से उस फोन का बंद हो सकता है। तो आपके पास कोई खराब फोन हो तो ही डालो, आप इलीगल वर्क के लिए इसको बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि देखो ये सारी चीजें हमारे लिए भी इलीगल है, आपके लिए भी है, और ये सब चीजें करना ही नहीं चाहिए। हमारा काम है सिर्फ आपको नॉलेज देना, तो आप लोग इसको समझ जाओ। IMEI नंबर से इसी हम वीडियो नहीं बनाकर डालते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर इस पर वीडियो हम YouTube पर डालेंगे तो फिर हमारा चैनल पे स्ट्राइक आना ही आना है, क्योंकि ये सब चीजें इलीगल तौर पर मानी जाती हैं। तो आप लोगों को सीखना है तो इसको ज्वाइन करो, क्लास वगैरह सीख लो, या फिर आप वीडियो छोटी मोटी YouTube पर डली हुई है उसको भी आप देख के सीख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बाकी आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका सलूशन जरूर करेंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।